गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और अभी हम हैं बीकानेर में, और आज की जो वीडियो है उसमें आपको थोड़ा बीकानेर देखना मिलेगा। अभी पहले ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे कहीं पे, और ठंड बहुत है इधर। रात जो स्टे किया है हमने गाड़ी में किया था, पंप पे गाड़ी लगाई थी, तो वो आपको फूड एंड स्टे पे पूरा मिल जाएगा। कहाँ पे स्टे किया, कैसे किया, उस पर मैं एक वीडियो डाल दूंगा बीकानेर का पूरा, उसमें फूड भी और स्टे भी सारा कुछ इंक्लूड कर देंगे यहीं का। हाँ, तो यहाँ पे अभी देखते हैं कुछ खाने का सिस्टम, अगर कुछ मिलता है, और उसके बाद में फिर आगे चलेंगे हम किले की तरफ। तो आज की वीडियो में थोड़ा सा यहाँ का बीकानेर का फोर्ट वगैरह, और यहाँ पे जो और कुछ विजिटिंग प्लेस हुए वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। हाँ, और ये सुबह सुबह क्या है, बहुत फॉग आ रहा है, ब्लर हो जा रहा है। और ये देखो, ये आ गया है कैमल, तो कैमल कार्ट आ रही है यहाँ पे, ये बहुत मिलेंगी देखने को। और जैसलमेर साइड जाएंगे तो उधर और भी ज्यादा मिलेंगे। तो अभी ये तो ऐसा रहता है कि रस्ते की साइड में 50-50 फुट एक साथ बैठे रहते हैं। हाँ, ये अभी मैंने डिफॉगर चला रखा था, उसकी वजह से ये दिक्कत हो रही थी, आवाज जो आ रही थी। ये देखो साइड पे निकला। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ब्रेकफास्ट हो गया है और अभी हम जा रहे हैं फोर्ट की तरफ। तो फोर्ट के अंदर ही पार्किंग है। यह है करण पोल करके जगह, यह है फतेह पोल, और पार्किंग यहीं पे करनी है पार्क अंदर में। अच्छा, तो यहाँ से इधर जाके ये पार्किंग होगी सूरज पोल की तरफ से अंदर। और यहाँ पे टेंपल भी है, और ये है अच्छा इधर पार्किंग। तो यहाँ की टिकट्स की जो रेट है ये है 50। हाँ, ये जूनागढ़ फोर्ट है, तो इसका 50 रुपीस एडल्ट्स का है और 30 रुपीस किड्स का है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना गाइड इंक्लूड है, आपको ग्रुप में लेके जाता है, टिकट के साथ इंक्लूड है वो बंदा, तो वो ग्रुप में लेके जाते हैं सभी को, और सारा कुछ दिखा के फिर वापस लेके आते हैं यहीं पे। तो ये चीज़ ठीक है, 50 रुपीस टिकट है। चलो फिर यहाँ से चलते हैं अंदर। चलो ये है रास्ता। तो जो कैमरे का है यहाँ पे टिकट, वो है 150 रुपीस। तो मैं बाद में लेके आया, पहले मुझे पता नहीं था कि कैमरे का भी यहाँ पे टिकट है, तो बाद में लेके आया। तो रिकॉर्डिंग के लिए है, अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हो तो उसके लिए कोई टिकट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका टिकट चेक होगा, टिकट चेक करने वाले बंदे से नाम तो उनकी वीडियो आ गई। और यहाँ से फिर ये हम एंटर करते हैं अंदर। और ये इधर की तरफ है ऑफिस वगैरह है इनके, और ये तोप महाराज गज सिंह की है, तो छोटी सी है, बहुत वाव मस्त लग रही है। यहाँ से ये एंटर करेंगे अंदर। वाव, ये बीकानेर शहर राव बीकाजी के द्वारा बसाया गया। राव बीकाजी जोधपुर राजा राव जोधो जी के बड़े लड़के थे। 1488 में बीकानेर आए तो करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर शहर की नींव रखी। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है चोवाल माता, वर्ल्ड फेमस मंदिर है देशनाथ माता का, तो उन्हीं के आशीर्वाद से बीकानेर शहर की नींव रखी गई है। राव बीकाजी से लेके राव कल्याण जी तक 5 राजा बीकाजी की टेकरी है, ऑल सिटी में वहाँ रहे। छठे महाराजा राय सिंह जी ने जूनागढ़ किले का निर्माण स्टार्ट कराया 1589 में, लगभग 100 साल बाद में, जो कि 16 महाराजाओं के योगदान से और 350 ईयर्स में कम्प्लीट हुआ। जैसे जैसे राजा आते गए वैसे वैसे और अपना अपना पार्ट बनाते चले। ये सामने है होली खेलने के लिए टैंक हुआ करता था। होली के समय राजा बीच में बैठते थे, इस पूरे टैंक के अंदर कलरफुल पानी डाल दिया जाता था, राजा को होली खिलाई जाती थी। राजा के मंत्री वगैरह होते, राजा के गेस्ट वगैरह होते, वो राजा के साथ होली खेलते। सामने भी घरों के देख रहे, वहाँ से रानियाँ देखा करती थी क्योंकि पर्दा पड़ता था। सामने जो ऊपर आप जो वाइट कलर का पेंट देख रहे, ये रेनोवेशन किया गया, पहले ये रेड कलर का था, बाद में इसे मेंटेन किया गया, पूरा रेड था ये पहले। हाँ, पूरा रेड। आप जो ये पत्थर देख रहे हैं, ये बीकानेर का लोकल स्टोन है। बीकानेर से 16 किलोमीटर दूर नॉर्थ में दुलमेरा गांव, दुनगंसर के पास, वहाँ का ये स्टोन है। सिंगल स्टोन हाथियों की पीठ पर लाया जाता था। सामने जो आप मार्बल देख रहे हैं, ये इटली का मार्बल है करण। अब चलते हैं ये करण महल की तरफ। ये इस तरह का बना हुआ है,
इस तरह से। हाँ, और ये यहाँ पे, हाँ ये सिंहासन है, अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा कैमरे में, पहले नहीं दिख रहा था। और बना हुआ जो है अंदर, वाह देखने लायक है वो चीज। ये करण महल है, राजा करण सिंह जी के द्वारा बनाया गया 1631 का ये पार्ट। सामने जो आप थ्रोन देख रहे हैं, ये सिल्वर का थ्रोन है जहाँ राजाओं का कोरोनेशन किया जाता था। अच्छा, ये प्रॉपर सिल्वर का बना हुआ? हाँ जी मैम, पुरानी चांदी है तो हवा पानी लगेगा तो ब्लैक हो जाएगा। उसी के ऊपर देखिएगा रेड कलर का हैंगिंग फैन है, क्योंकि 16-17 सेंचुरी में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो सर्वेंट उसे रस्सी के द्वारा चलाया करते थे। ये ऊपर देखिएगा गोल्ड पेंटिंग बनी है। अच्छा, इसमें गोल्ड यूज हुआ? हाँ, गोल्ड और नेचुरल कलर से बनी ये पेंटिंग है। बीकानेर के लोकल आर्टिस्ट हैं, उस्ताद आर्टिस्ट, उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। देखने में आपको कारपेट की तरह दिखेगा। हाँ, कारपेट। अब चलेंगे आगे की तरफ और ये अगला गेट है। वाओ, नीचे जो आप टाइल्स देख रहे हैं ये 1920 की टाइल है, इटालियन टाइल। गंगा सिंह जी लाए थे इटली से, okay. सिसिलिय नमक जो है वहाँ की टाइल्स। वहीं ऊपर जो आप नेट देख रहे हैं, 90 ईयर पुराना नेट है, बर्ड्स को अंदर आने से रोकने के लिए, okay. कबूतर वगैरह अंदर ना आए उसके लिए नेट लगाया गया। ये कॉर्नर में देखिएगा आप 65 किलोग्राम का सिल्वर डोर, 65 किलो चांदी का दरवाजा है जो कि पहले सामने लगा हुआ था, मेन एंट्रेंस डोर हुआ करता था। किला जब ट्रस्ट बना 1961 में, किला जब ट्रस्ट बना तो सेफ्टी के लिए इसे साइड में दीवार के ऊपर लगाया गया। ये यहाँ देखिएगा 3 डायमेंशन पेंटिंग, देखो मैम, 3 डायमेंशन पेंटिंग है महाराजा सरदार सिंह जी की। ओके, जर्मन पेंटर थे आंद्रियास मूलर, मूलर के द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग है 1856 की। ये लूट महल है महाराजा अनूप सिंह जी के द्वारा बनाया गया 1669 का ये पास है। सामने जो आप कार्विंग देख रहे हैं ये 56 kg गोल्ड वर्क किया गया। महाराजा अनूप सिंह जी ने गोलकुंडा हैदराबाद का किला फतेह किया, वहाँ से आने के बाद में ये पार्ट बना। ये रियल गोल्ड है। वहीं नीचे जो आप कारपेट देख रहे हैं ये 150 ईयर्स पुराना कारपेट है जो बीकानेर जेल के कैदियों द्वारा बनाया गया। सारा कैमल वूल और सिल्क लगाया। इसी जगह पे क्षत्रिय, ब्राउन, लैला मजनू जैसे फिल्मों की शूटिंग की गई है। और सामने जो आप शीशे देख रहे हैं ये बेल्जियम के शीशे हैं, रिफ्लेक्टर शीशे। इन शीशों के आगे दीपक जला के रखे जाते थे ताकि क्रॉस में रोशनी। वहीं ऊपर छत देखिएगा आप, पूरी छत लकड़ी की बनी है लेकिन डिफरेंट इसमें इतना है कि इसमें ग्लास नहीं है। और ये वॉलनट वुड अखरोट के पेड़ की लकड़ी के दरवाजे हैं जो कि कश्मीर से लाए गए। ये महाराजा पद्म सिंह जी की सौड़ है, ये महाराजा पद्म सिंह जी की सौड़ है, वेट एट 27 किलोग्राम। ये प्रैक्टिस के लिए, ये दूसरी तलवार है जो कि फाइटिंग के लिए। यहाँ देखिएगा दो तलवारें लगी, पहली जो तलवार है वो राव जोधो जी की, राव जोधो जी जोधपुर फाउंडर की, और दूसरी जो तलवार है वो गंगा सिंह जी महाराजा की। तो दोनों तलवारों पे गोल्ड और रूबी लगाए, वेडिंग सेरेमनी के समय इन तलवारों का यूज किया जाता है। ये सोने की स्टैम्प है, सोने की स्टैम्प है, उसी के ऊपर सिपेज है जो कि पगड़ी के ऊपर बांध दी गई। राजा राय सिंह जी की वॉकिंग स्टिक है, स्टिक देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं राजा राय सिंह जी की हाइट कितनी रही। बीच में अकबर की तलवार है जो कि राजा राय सिंह जी को प्रेजेंट की गई है। अच्छा। और उसी के पास में चमर है। अच्छा, ये सिंबल। अच्छा। मुगल बादशाहों के द्वारा हिंदू राजाओं को दिए गए सिंबल अलग अलग शेप में है, देवी के रूप में, राशि के रूप में, क्षति के रूप में, माँ की मराठा रूप का नाम है। राजा जब सिरे से कहीं आ जाते तो ये सिंबल सेवक उनके साथ में लेकर चलाते। ये पेंटिंग है बीकानेर फाउंडर राव बीकाजी। राव बीकाजी जब जोधपुर फोर्ट से आए थे तो अपने साथ चंदन की लकड़ी का सिंहासन है, पालकी वगैरह, ये जोधपुर से लाई गई थी जो आप लास्ट में देखेंगे। ये पीतल के बर्तन है जो यहाँ रखे गए खाना बनाने के। ये भंवर डोल है, ये भंवर डोल है जो इस कॉर्नर में लगा है। और ये इस कॉर्नर में देखिएगा आइवरी के स्लीपर है, हाथी दांत की खड़ा हुआ गसन जी महाराजा।
मंदिर में पूजा पाठ में जाते हैं तो हाथी दांती खड़ों पहन के जाते हैं। फूल महल, ये जूनागढ़ किले का फर्स्ट पार्ट है, फूल महल महाराजा राज सिंह जी के द्वारा निर्माण करवाया गया। महाराजा राज सिंह जी की रानी का नाम था फूल कमर, तो उन्हीं के नाम से फूल महल। नीचे जो आप पेंटिंग देख रहे हैं इसे रेनोवेट किया गया, वहीं ऊपर छत पे जो पेंटिंग बनी है वो रामायण रचना की स्टोरी है 1589। हाँ, वॉटर पे जो पेंटिंग बनी वो ओरिजिनल पेंटिंग है। वहीं ऊपर छत देखिएगा, पूरी की पूरी छत लकड़ी की बनी है, ये सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी लाकर फॉल सीलिंग के टाइप में लगी। राजस्थान में एक पेड़ पाया जाता है रोजवुड, ये उसकी लकड़ी है, ये उसकी लकड़ी है, ये सालों साल मजबूत रहती है और इसमें दीमक नहीं लगती। सामने है सूर्य भगवान की मूर्ति, बीकानेर के राजा सूर्यवंशी थे। सूर्य भगवान के घोड़े हैं बृहस्पति शनि। तो अभी घूम रहे हैं महल में ही, और सच में वो जो वुडन वाला बताया कि ठंड में गर्म रहती है और सर्दियों में ठंडी, वहाँ सच में गर्मी थी, बाहर आती फिर ठंड लगने लगी है। आपका क्या नाम है भाई जी? समरवीर। ये समरवीर जी हैं जो हमारे गाइड हैं आज, और ये सारा समझा रहे हैं। तो अब ऊपर के पोर्शन पे चलते हैं, नीचे का सारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ देखिएगा ब्लू टाइल्स, हॉलैंड और चाइना की मिक्स टाइल्स है, जो कि सिल्वर के बदले में टाइल्स लगेगी। अच्छा, सिल्वर दे के टाइल्स लगेगी। ओके, चाइना की ये हॉलैंड की। ओके, ये सिर्फ चौपड़ पासा खेलने के लिए टेबल। ओके, वहीं यहाँ देखिएगा सॉर्ड वुड कटर व्हील्स लगे। बीकानेर के अंदर सिद्ध संपन्न टाइप के जश्ना उन्हें गॉड गिफ्ट है। ओके, इच्छा से इन सब पे नंगे पैर होकर डांस किया जाता है। जनवरी के समय RTDC कैमल फेस्टिवल लाती है, तो वो लोग आज भी परफॉर्म करते हैं, इस बार कैंसिल है, अन्यथा वो फायर डांस वगैरह करते हैं। ओके, आग जला के आज के नाचना में अंगारे लेना वगैरह। वैसे तो जनवरी सेकेंड वीक में होता है, आज ही के दिन। ये अभी हम 17th नंबर पे आ गए, ये पूरा किले का पार्ट है इधर भी। वाह, वो क्या बना हुआ है बीच में? शिव मंदिर है। नीचे जो आप गार्डन देख रहे हैं उसे शिव गार्डन कहते हैं, शिव भगवान का पुराना मंदिर है कॉर्नर में, इसलिए इस गार्डन का नाम शिव गार्डन है। मंदिर के पीछे जो बड़ा दरवाजा देख रहे हैं, ये घोड़ों के लिए अस्तबल हुआ करता था, और सिस्टेबल है। ओके, सामने जो खुला दरवाजा देख रहे हैं, बारूद और तोप खाने के लिए हुआ करता था, एम्युनिशन रूम। और उसी के आगे व्हाइट कलर के जो डोर देख रहे हैं, वो 90 ईयर पुरानी प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी, छापा खाना। ओके, और ये लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा आप, पतली सीढ़ियां जो बिल्डिंग के ऊपर जा रही है, हाँ जी, ये जूनागढ़ किले की शाही जेल है रॉयल फैमिली के लिए। ओके, रॉयल फैमिली में यदि कोई राजा के अगेंस्ट होता तो उसे जेल में डाल के नजरबंद किया जाता था। ओके, हाँ, शाही जेल। सामने किले की बाउंड्री वॉल है, सामने किले की बाउंड्री वॉल है, वॉल के बाहर के साइड में 25 फीट लंबी और 30 फीट गहरी खाई है। किला एक समतल भूमि पर। ओके, यही इस किले की खासियत है कि ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा फोर्ट है जो ग्राउंड फ्लोर पे बना है, अदरवाइज सारे हाइट पे बने। हाँ, तो ये है गज मंदिर। ये सामने है कृष्ण जन्माष्टमी के लिए झूला। ओके, जन्माष्टमी के दिन रानियां कृष्ण भगवान की मूर्ति रख के इसे झूला देती तो इसमें लगे सारी की सारी डॉल्स, ऊपर जो आप पीकॉक देख रहे हैं, एक साथ डांस किया करते थे, एक ही वायर से कनेक्टेड, जैसे इसे मूव करते तो सारी डॉल एक साथ डांस करती थी। ये इस तरह का रानी के लिए बेडरूम है, ये रानी के लिए बेडरूम है, और नेक्स्ट पार्ट है वो राजा के लिए बेडरूम है। ओके, बेड की लंबाई इसलिए छोटी है, जब राजा सोते तो उनके पैर 2 फीट जमीन पर रहते, ताकि रात को किसी ने उन्हें बांध भी दिया तो पलंग सहित खड़े हो जाए। और हाइट इसलिए कम है बेड की, ताकि कोई पलंग के नीचे छिप ना सके। 17th सेंचुरी में जोधपुर के एक राजा हुआ करते थे राव रिडमल, जब वो चित्तौड़ गए हुए थे तो चित्तौड़ के अंदर दुश्मन पहले उनके पलंग के नीचे छिप गए, और उनके सोने के बाद में उन्हीं की पगड़ी से बांध के उन्हें मार दिया गया। तो 17th सेंचुरी के बाद में राजस्थान में जितने भी राजा हुए उन सब ने बेड की लंबाई और हाइट दोनों कम रखी, ताकि ऐसा कुछ होता है तो पलंग सहित खड़े हो जाए। वहीं ऊपर छत देखिएगा, जैसे कि मैंने फर्स्ट में बताया था सारी छतें डिफ्रेंट की,
इस छत में लाख लगा है, लाख जिससे चूड़ियां बनती हैं। ओके, सामने जो बैठ के पैर देख रहे हैं ये आइवरी के बने हैं। तो ये भी नेक्स्ट साइड जा रहे हैं, डूंगर निवास। अभी हम उधर की तरफ जा रहे हैं। ये डूंगर निवास है महाराजा डूंगर सिंह जी के द्वारा बनाया गया। 1872 का ये पाट है, छत वही लकड़ी की बनी है। वही यहाँ देखिएगा विंडो रखी है, तो वेपन्स वगैरह अंदर छुपा के रखे जाते थे, ऊपर पेंटिंग की गई पता ना चले। हाँ, कि ये विंडो है। हाँ, महाराजा डूंगर सिंह जी की एक रानी हुआ करती थी जो महाराजा डूंगर सिंह जी का फेस देख के खाया पिया करती थी। महाराजा डूंगर सिंह जी जब एक्सपायर हुए तो महाराजा गंगा सिंह जी ने उनका स्टेच्यू बनवाया जो कि जूनागढ़ फोर्ट के ठीक सामने। जैसे ही आप किले से बाहर निकलते तो सामने संगमरमर का स्टेच्यू बना। घोड़े पे जो बैठे हैं अचानक से सीधे बैठे फोर्ट के ठीक सामने। अच्छा, वो मार्बल का है। आप जो घोड़े पे देख रहे हैं वो ब्लैक कलर का है। तो रानी ऊपर बैठ से स्टेच्यू देखा करती थी, उसके बाद में कुछ खाया। ये सब है एलिवेटर। राजस्थान की फर्स्ट एलिवेटर 1914 के अंदर महाराजा गंगा सिंह जी लेके आए थे इंग्लैंड से। फर्स्ट इलेक्ट्रिक लिफ्ट है, अभी ये बंद है। इसके साथ की जो दूसरी लिफ्ट है वो पैलेस में आज भी ऑपरेट है। ओके, जहाँ अभी रॉयल फैमिली रह रही है लालगढ़ पैलेस में, वहाँ आज भी ऑपरेट है। नीचे महाराजा गंगा सिंह जी का दीवान आम लगता था, पब्लिक ऑडियंस हॉल। तो रानी इन झरोखों से देखा करते थे। दो तरह के दरबार हॉल हुआ करते थे, दीवाने आम और दीवाने खास। आम में राजा जनता के साथ बैठते थे और खास में मंत्रीगण के साथ। ओके, तो आप लोग वही चल के देखेंगे। यहाँ नीचे जाएंगे हम, दीवाने खास है। ओके, ये आम है, वहाँ पे कुछ हेलीकॉप्टर रखा हुआ है। अभी चलेंगे। अभी राजाओं को जन्मदिन पे शादी समारोह पे दिए जाने वाले ग्रीटिंग कार्ड अभिनंदन पत्र। ओके, बीकानेर के जो 23rd महाराजा रहे गांधी सिंह जी, वो बीकानेर के अंदर 5 times मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। ओके, कंटिन्यू 25 years। तो उस टाइम पीरियड में दिए गए अभिनंदन पत्र। महाराजा गणेश सिंह जी थे, ओलंपिक शूटर भी थे। दिल्ली के अंदर तुगलकाबाद रोड पे उनके नाम से शूटिंग रेंज बना है। एशिया में गोल्ड मेडलिस्ट है, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है। महाराजा करणी सिंह जी ने ही 1961 के अंदर जूनागढ़ किले को महाराजा राज सिंह जी ट्रस्ट के रूप में जनता की विजिट के लिए खोला। ओके, जिसके चेयरपर्सन उन्हीं की मिसेज राजमाता सुशीला कुमारी, जो कि बीकानेर में दूसरा पैलेस है लालगढ़ पैलेस। ओके, तो रॉयल फैमिली अभी वही रहती है। यहाँ देखिएगा 1918 मैडन बर्लिन, जर्मनी की मशीन गन्स है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बीकानेर के जो 21st महाराजा रहे गंगा सिंह जी, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा भाले, खंजर, तलवार, ये सब देखिएगा। 35 किलोग्राम की गन है, 35 किलोग्राम की गन है जो कि कैमल पे सेट करके चलाई जाती है। वही यहाँ देखिएगा ये गन पाउडर पाउच है। पहले गन्स के अंदर बुलेट की जगह पाउडर डाला जाता था, वो इनमें रखा जाता था। अच्छा, इनमें। हाँ, ये सामने देखिएगा दो हेलमेट है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हेलमेट्स हैं, फर्स्ट इंग्लैंड का, सेकंड जर्मनी का। उसी के आगे 6 हेलमेट्स हैं जो कि यूरोप के हेलमेट्स हैं। और उसी के पास में जो ढाल लगी है वो रॉयनो के चमड़े से बनी ढाल। 50 kg की गन, 50 किलो वजन की गन ये 50 kg की गन है जो कि हाथी के पौधे पे सेट करके चलाई जाती है। ये महाराजा गंगा सिंह जी का ड्रेसिंग रूम का पार्ट है। ये महाराजा गंगा सिंह जी का ड्रेसिंग रूम का पार्ट है। सामने जो आप पेंटिंग देख रहे हैं ये 21st महाराजा गंगा सिंह जी, जिनके नाम से श्री गंगानगर बसा है। ओके, ये 20 महाराजा डूंगर सिंह जी, जिनके डूंगरपुर, श्री डूंगरगढ़, श्री डूंगरगढ़। ओके, अभी जो हमने रास्ते में पढ़ा। हाँ जी, हाँ जी, दोनों के नाम श्री गंगानगर है, श्री डूंगरगढ़। ओके, आगे महाराजा गंगा सिंह जी के फादर है लाल सिंह जी। बीकानेर में जो दूसरा पैलेस बना लालगढ़ पैलेस, वो और ये है महाराजा गंगा सिंह जी की डॉटर चांद कंवर। ओके, बीकानेर का जो अनाथालय है वो ट्रस्ट मेंटेन करता है, वो इन्हीं के नाम से। ओके, ये
1914 मेड इन इंग्लैंड के पंखे हैं। ओके। ये महाराजा अनूप सिंह जी की 12 फीट लंबी बंदूक है, शिकार के वक्त काम में ली जाती थी। हाँ। एक हिंदी में कहावत है, दूसरे के कंधे पे रख के चलाना। काफी लंबी है। बहुत लंबी है। ये सब देखिएगा, 100 ईयर पुरानी बेल्जियम मिरर है, इटालियन मार्बल। तो ये किले का सबसे खूबसूरत पार्ट है। ये महाराजा गंगा सिंह जी का दीवाने खास। ओके। इस पूरी बिल्डिंग को बनने में 14 साल लगे। इसी पोर्शन को कार्विंग में तो बहुत 1923 से लेके 1937 तक। ये उस वक्त के नरेगा प्रोग्राम में बना पड़ा। अच्छा, नरेगा अकाल पड़ा था उस समय। अकाल पड़ा था लोगों को खाने का, तो अनाज के बदले में काम हुआ। ये इस तरफ देखिएगा, थ्री कार्विंग है, नीचे मार्बल लगाए, फिर रेड सैंडस्टोन है, और सीलिंग सारा वुडन का बना। छत पे जो चार लैंप लगे वो इटली से लाए गए लैंप, मुरानो वेनिस। ये इस तरफ देखिएगा, 800 साल पुराना सैंडलवुड थ्रोन है। जैसे कि मैंने फर्स्ट में पेंटिंग में दिखाया था कि राव बीकाजी जब जोधपुर फोर्ट से आए थे, तो ये सिंहासन उस वक्त में जोधपुर से लाए। ओके ओके। वहीं ऊपर कैनोपी में देखिएगा, सारा का सारा सिल्वर और सिल्क लगा है। और सामने है 56 kg का आर्मर है। ओके। 56 kg का आर्मर है जो कि फाइटिंग के समय पहना जाता है। ये महाराजा गंगा सिंह जी का ऑफिस का पार्ट है। यहाँ देखिएगा, राजा की यूनिफॉर्म्स, डायरी, बैग्स, पेपर वी, कैंपास। और ये कॉर्नर में है इंटरकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज। किले के अंदर एक रूम से दूसरे रूम में बात करने के लिए महाराजा गंगा सिंह जी की बड़ी मूछे हुआ करती थी। तो सूप पीते वक्त मूछे खराब ना हो, उसके लिए चम्मच के ऊपर हाफ कवर्ड है, मूछ की सेप में ब्लेड लगाए। जैसे चम्मच को मुंह में डालते तो मुझे ऊपर हो जाती, मुझे खराब ना हो। और सिल्वर का सेकंड रीजन ये रहता है कि खाने में यदि पॉइजन मिला हो तो सिल्वर का कलर चेंज हो जाता है। ये उस वक्त 1930 का इंडिया का मैप है कि ये 1930 का इंडिया का मैप, पूरा पंजाब हो गया, ये राजपूताना जे एंड के सारा यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, इधर अफगानिस्तान हो गया, वैसे उससे पहले तो ईरान तक था ना, तिब्बत हमारा, तो इराक तक। हाँ, सारा भी हमारा था, इराक भी हमारा था। हाँ, हम यहाँ से आए हुए हैं कहीं से। ये महाराजा गंगा सिंह जी के छोटे लड़के हैं, प्रिंस विजय सिंह जी। बीकानेर का जो सिविल हॉस्पिटल बना है वो इनके नाम से। ओके। ये 1930 के अंदर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी इंग्लैंड के लिए। ये उसका स्केच बनाया गया कैलिन के द्वारा, पेरिस के एक आर्टिस्ट थे, उन्होंने ये स्केच बनाया कैलिन। ये 3 ईयर का पिक्चर है महाराजा गंगा सिंह जी का। ये 7 ईयर का पिक्चर है, 7 ईयर के अंदर महाराजा गंगा सिंह जी का कोरोनेशन किया गया था। ये 1905 रावलपिंडी का फोटो है, क्यून मैरी के साथ में। ओके। ये गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे का फोटो है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी जाते थे। तो ये लास्ट पार्ट है अभी किले का, तो यहाँ के बारे में और बताएंगे सर। ये DH9DE हैवी लैंड प्लेन है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, सिंगल इंजन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का प्लेन है। इसने इंडिया में कभी फ्लाई नहीं किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्लाई किया। ओके। 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो महाराजा गंगा सिंह जी ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया अगेंस्ट जर्मन को। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महाराजा गंगा सिंह जी को ये प्लेन गिफ्ट में दिया है। 1920 के अंदर इसे यहाँ लाने के असेंबल किया गया। ऐसे टूटे हुए दो प्लेन को उन्हें जोड़ के ट्रॉफी के टाइप में। ये रानियों के लिए पालकी है, समर के लिए अलग पालकी, विंटर के लिए अलग पालकी, अलग अलग। तो ये इधर पालकियाँ हैं सारी, और इधर भी ये पालकी है, तरह तरह की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पालकियाँ हैं ये। और जो प्लेन है उसकी ये बैक साइड है, जो उनको गिफ्ट किया गया था ब्रिटिश द्वारा। तो ये लास्ट पार्ट था, और कुछ यहाँ पे फोटो वगैरह है, और इधर ऑफिस वगैरह है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं बाहर, जिस गेट से आए थे। हाँ, उधर से अंदर गए थे,
और निकले इस कोने से, बाकी ऊपर सारा कुछ घूम के आए हो ऊपर की तरफ, तो सारा कुछ आपने देख लिया वीडियो में। सो गाइस, होप करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सर के लिए, इतना अच्छा समझाया उन्होंने। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।